हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ऑलमोस्ट हम लोग सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो वोकैबुलरी का होता है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में रेल रोड बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में वो रेलवे होता है। अपार्टमेंट अमेरिकन में होता है तो ब्रिटिश में फ्लैट होता है। एलिवेटर अमेरिकन में होता है तो वैसे वो लिफ्ट होता है। वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने मेंशन कर दिए हैं। सेकंड डिफरेंस होता है स्पेलिंग में। जैसे अमेरिकन में इनरोलमेंट में डबल एल यूज होता है तो ब्रिटिश में सिंगल एल यूज होता है। और आई एस ई और आई जी ई का डिफरेंस, अमेरिकन में सिविलाइज में आई जी ई लगता है और ब्रिटिश में आई एस ई लगता है। और वैसे ही डिफरेंस है एन सी ई और एन एस ई में, अमेरिकन में ऑफेंस में ई एन एस ई लगता है तो ब्रिटिश में एन सी ई लगता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, ओ यू और ओ का, आर ई और ई आर का, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। उसका डिफरेंस तो आप लोगों ने वैसे भी देखा ही होगा जो वर्ड्स को पढ़ते वक्त। और थर्ड डिफरेंस होता है एक्सेंट का। फॉर ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश इंग्लिश के लिए हम लोग आर पी लेंगे, रिसीव प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन इंग्लिश रोटिक होती है, इसका मतलब ये है कि जो आर साउंड होता है उसमें वो क्लियरली प्रोनाउंशिएट होता है। और ब्रिटिश इंग्लिश होती है वो नॉन रोटिक होती है, इसका मतलब है कि जो आर साउंड है तब तक प्रोनाउंशिएट नहीं होगा जब तक वो वोवल से फॉलो ना हो, फॉलोड बाय वोवल। अब ब्रिटिश इंग्लिश में एक इंट्रूसिव आर भी होता है। इंट्रूसिव आर का ये मतलब होता है कि वो लोग आर साउंड को ऐड कर देते हैं अगर वो वहाँ पे नहीं भी हो तो। सपोज एक वर्ड है और उसका नेक्स्ट वर्ड वोवल है तो वो लोग बीच में आर ऐड कर देते हैं, आर साउंड ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो तो बेटर समझ में आएगा। अमेरिकन इंग्लिश में एक सेंटेंस है, आई सॉ अ फिल्म, ये ब्रिटिश इंग्लिश में हो जाएगा आई सॉ अ फिल्म। सॉ और ए के बीच में आर का साउंड ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस है ओ साउंड का। अब जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है इसके जो ओ साउंड है वो राउंडेड होते हैं और अमेरिकन इंग्लिश के ओ साउंड अनराउंडेड होते हैं। एग्जाम्पल पॉट, ब्रिटिश इंग्लिश में पॉट, ओ राउंडेड है। अमेरिकन इंग्लिश में पॉट, ओ अनराउंडेड हो जाएगा। एग्जाम्पल हाफ, ब्रिटिश इंग्लिश में हाफ, अमेरिकन इंग्लिश में हैफ। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रीपोजिशन का। ब्रिटिश इंग्लिश में एट होता है और अमेरिकन इंग्लिश में ऑन होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग एट दिवाली इन ब्रिटिश इंग्लिश, एंड फॉर अमेरिकन इंग्लिश व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिवाली। जनवरी टू अप्रैल ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश जनवरी थ्रू अप्रैल। ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम टू द अदर्स, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम देन द अदर्स। नेक्स्ट डिफरेंस है पास सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट का। जो अमेरिकन्स है वो जो रिसेंटली चीज़ें हैपेंड हुई हैं उसके लिए वो लोग पास सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, और जो यूके के लोग ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन इंग्लिश में डिड यू गेट द कॉफ़ी, तो ब्रिटिश इंग्लिश में ये हो जाएगा हैव यू गॉट द कॉफ़ी। अमेरिकन बोलेंगे आई एट टू मच, तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे आई हैव ईटन टू मच। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है, कोई कुछ भी यूज़ कर सकता है, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लोग वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से डिफरेंसेस बताए गए हैं। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का है। अभी सपोज जो ब्रिटिश इंग्लिश में ड्रीम्ड और बर्नड होगा वो अमेरिकन इंग्लिश में ड्रीम्ड और बर्नड हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है कलेक्टिव नाउन का। अमेरिकन इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे माई टीम इज लूजिंग, तो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे माई टीम आर लूजिंग। और ऐसे ही एक दो डिफरेंसेस और हैं, जैसे ओ डायफ्थोंग का है, ए साउंड का है, जो मैंने मेजर वन थे वो मैंने सब कवर कर दिए हैं। ओके, तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हो गई। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट टाइम।